तिनसुकिया में अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष भी 26 सितंबर से 3 दिवसीय श्रीमवीरी झंडोत्सव का पालन किया जाएगा। आयोजक समिति के अध्यक्ष संजय उपाध्याय, कार्यकारी अध्यक्ष अजय सिंह मुन्ना, महासचिव अवधेश रस्तोगी, सलाहकार महंत नरसिंह बाबा की अगुवाई में युद्ध स्तर पर आयोजन की तैयारियां चल रही है। कार्यक्रमों के अनुसार 26 सितंबर को मूर्ति स्थापना एवं पूजन का आरंभ शाम 6 बजे से और अतिथि सत्कार एवं आम सभा संध्या 7 बजे से आयोजित किया जाएगा। वहीं 27 सितंबर को पूजन आरती एवं प्रसाद वितरण सायं 6 बजे से और रात्रि जुलूस संध्या 7 बजे से निकाली जाएगी। इसके अलावे सांस्कृतिक संध्या संजय सहनी उरी बाबा द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। अंतिम दिन बृहस्पतिवार को कुश्ती प्रतियोगिता प्रातः 9 बजे से आयोजित किए जाने के साथ ही विराट शोभायात्रा नगर परिक्रमा हेतु दिन के 1 बजे से निकलेगी जाएगी। वहीं पुरस्कार वितरण एवं समापन समारोह शाम 7 बजे किया जाएगा। आयोजक समिति द्वारा सभी भाषा भाषी लोगों से संपूर्ण आयोजन में शामिल होकर कार्यक्रमों को सफल बनाने का आह्वान किया गया है। देखिए, सर्वप्रथम तो कल 26 तारीख है, कल हम लोगों का महावीर झंडोत्सव का शुभारंभ होगा शाम के 6 बजे से, और शाम के 6 बजे से शुभारंभ होगा, पूजा कार्य विधि शुरुआत होगी। उसके तुरंत बाद 7 बजे से हम लोग एक स्वागत समारोह का हम लोग एक प्रोग्राम रखे हैं, जिसमें सभी लोग यहां उपस्थित रहेंगे। और विगत 27 तारीख को उरी बाबा द्वारा एक रंगारंग कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें आपके नौगांव से कुछ कलाकार आ रहे हैं, उन कलाकार द्वारा भजन संध्या का एक आयोजन किया गया है। और 28 तारीख को कुश्ती प्रतियोगिता भी रखी गई है, जो परंपरागत जो होते आया है उस चीज को हम लोग लगातार करते आ रहे हैं, और उसमें किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं है, लोग पूरी तरीके से हम लोगों को सहयोग भी कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात अवश्य बोलूंगा, खासतौर से स्वजातीय संगठनों को मैं उनसे विशेष अनुरोध भी करूंगा कि आप लोग पूरे तन मन के साथ हमारे इस प्रोग्राम में अवश्य आए और हमें सहयोग प्रदान करें। हमारा ये प्रोग्राम सिर्फ हमारा ही नहीं है, पूरे सभी लोगों का है, जो भी भक्तजन है उन सभी का ये प्रोग्राम है। महावीर झंडोत्सव का पालन 1952 से पालन किया जा रहा है। मैं विशेष धन्यवाद दूंगा पीक चैनल को भी, पीक चैनल ने काफी सहयोग प्रदान किया है और समय समय पे हम लोगों को मार्गदर्शन भी किया है। पुनः मजदूर संघ के अध्यक्ष और सचिव महोदय से भी अनुरोध करता हूं कि जो कल उन लोगों का एक मीटिंग हुआ था, मीटिंग में हम लोग इनवाइट थे, आमंत्रित थे, वहां एक निर्णय लिया गया। निर्णय यह है कि सुबह 5 बजे से शाम के 5 बजे तक मजदूर भाई जो है वो काम पे नहीं जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो 28 तारीख को विराट शोभा यात्रा दोपहर 1 बजे से जो निकलती है, उसमें मैं सभी भाइयों से अनुरोध करता हूं, सभी भाइयों को निमंत्रण देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोग बड़ी से बड़ी संख्या में यहां उपस्थित होकर हमारे महावीर झंडोत्सव का विराट शोभा यात्रा सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। हमको यही कहना है कि ये देवी पुखरी का बहुत पुराना महोत्सव है महावीर झंडोत्सव, और यहाँ के भक्तगण चाहे यहाँ के कमेटी जो हमेशा प्रत्येक वर्ष एक न दूसरे कोई पार्टी अपना कमेटी बना करके करते हैं, हमको अच्छा है, पूजा होना चाहिए। हमारी संस्था, हमारी हिंदू परंपरा की जो महत्व है उसको कायम रखना चाहिए। विशेष हमको क्या कहना है, हम सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से यही आग्रह करते हैं कि हम लोग सनातनी हैं और सनातन को जिंदा रखना हम लोगों का परम कर्तव्य है। इसलिए सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से हमारा आग्रह है, ये नहीं है कि बिहारी, मड़वारी, असामीज, बंगाली, सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से आग्रह है
कि इस झंडोत्सव में आप लोग शामिल होकर के सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं और हिंदुत्व को कायम रखें और भाईचारा बनाए रखने में अपना सहयोग प्रदान करें। बस हमारा यही कहना है। जय श्री राम, जय हनुमान।